यूथ बहुत दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आई लव कि आप लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि ये हमारा प्लैनेट है, ये आपका प्लैनेट है, हम ये फ्यूचर का प्लैनेट है. बिकॉज हम लोग जहाँ पे भी देख रहे हैं, काफी लोग हैं जिन्हें अभी भी लग रहा है कि अरे प्लैनेट को बचाना है, ये सब जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है वो लोग कुछ झोल कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं. सो आई एम जस्ट रियली ग्लैड आप सबको यहाँ पे देख के. और हाँ, एक एक करके आई थिंक अगर हम सब में ये जज्बा रहेगा, हम लोग पूरे मुंबई को नहीं, पूरे पूरे धरती को, हमारे पूरे अर्थ को क्लीन कर पाएंगे. सो थैंक यू सो मच आप सबको. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. Esha Gupta joined Mumbaikars as they celebrated the 100th week of cleaning up Dadar Beach. Talking about the beach cleanup drive, Esha also emphasized on sustainability and took the Chennai water crisis as a reference. Jinu hai yahan pe aur inke volunteers hai, pura ek group hai bahut acche youth ka, jise we call it, they call it beach warriors, jiske naam se wo log jaate hain, because they are fighting beach ke liye. और ये आज उनका 100th वीक है दैट दे आर सेलिब्रेटिंग क्लीनिंग द ब्रिज. एंड इट्स जस्ट सैड कि हम बोल रहे हैं सेलिब्रेटिंग, बट इट्स नॉट अ सेलिब्रेशन, बिकॉज आई कैन बिलीव कि 100 हफ्ते लग रहे हैं और अभी तक चीज़ें साफ नहीं हुई हैं. तो इट्स सैड टू सी दैट, बट आई एम रियली ग्लैड कि इतने सारे आप लोग देखेंगे. आप मतलब यहाँ पे तो चले मीडिया है, उनके लिए मीडिया के लिए नहीं आए, वो लोग अपने सच में बिकॉज दे रियली केयर अबाउट अर्थ, ते लोग उस वजह से आए हैं जस्ट टू एक्चुअली वेक अप इन द मॉर्निंग संडे को एंड बीच साफ करना. आई थिंक जो देख के इग्नोर करते हैं ना उनको, आई थिंक दे शुड फॉरगेट अबाउट हैविंग अ फ्यूचर. लाइक दे पीपल हैविंग अ फ्यूचर, दे किड्स हैविंग अ फ्यूचर, द नेक्स्ट जनरेशन हैविंग अ फ्यूचर. बिकॉज आई मीन ऑलरेडी हम अभी मुंबई में यहाँ पे बीच साफ कर रहे हैं और चेन्नई में पानी नहीं है पीने के लिए. ऑलरेडी हम उस नौबत पर पहुँच गया है हमारा देश, हमारी पूरी धरती. तो आई थिंक हमें रियलाइज करना चाहिए स्लोली स्लोली कि हम कहाँ जा रहे हैं. थैंक यू. Beauty pageant winner Naveli Deshmukh also shared her thoughts on the beach cleanup and appreciated the youth who joined the beach cleanup drive. It's a wonderful initiative. और सबसे ज़्यादा मैं congratulations चिनू का करना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने ये पूरा सोचा और you know he's made this happen. So I think it's a great initiative. और हमको this is the need of our hour to have a cleaner and safer planet. और I really wish ये आज के दिन ही नहीं हो, बट हर दिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हो. एंड आई होप दैट विद अवेयरनेस एंड एक हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि टू बी अ बेटर सिटीजन एंड टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट थ्रोइंग गार्बेज ऑन यू नो रोड और वी आर नॉट यूजिंग प्लास्टिक्स आर सेल्स. अगर हम ये खुद ही इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो आई एम श्योर द चेंज विल हैपन. पहला थॉट यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई हैव डन क्लेनलीनेस कैंपेन्स, बट आई वॉजेंट अवेयर जितना हम डिग कर रहे थे बीच के अंदर उतनी प्लास्टिक निकल आ रही थी. सो दिस पीपल डोंट नो, सो
it is a concern and it's an alarming situation. So I really feel that agar hame ek sustainable development ki or badhna hai aur hamare future generation ko agar ye planet hame you know isi tarah dena hai to we have to keep it cleaner and better. जी मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि देखिए हम कहीं हम अगर देखें आजू बाजू में तो हम कंप्लेन करते हैं कि कितनी गंदगी है लोग कैसे हैं. आई थिंक रैदर देन कंप्लेनिंग हम खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. नंबर वन चीज़ हम प्लास्टिक का यूज़ कम करें. अगर हम कहीं शॉपिंग में जा रहे हैं तो लेट्स यूज़ क्लोथ बैग्स. सेकेंडली लेट्स नॉट थ्रो गार्बेज ऑन रोड एंड जस्ट पुट इट डिस्पोज इट इन यू नो डस्टबिन्स. एंड ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो आई एम श्योर कि एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा. ये तो मैं यही कहूँगी कि इट्स वंडरफुल टू सी सो मैनी पीपल हियर फॉर सच अ गुड कॉज. बट और भी ज़्यादा लोग आएंगे तो आई एम श्योर कि ये उनके लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है. तो और मैं और लोगों को इन्वाइट करना चाहूँगी और इस इनिशिएटिव का पार्ट यू नो उनको बनना चाहूँगी. थैंक यू. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.